हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं, RMRC गोरखपुर से यह भर्ती निकाली गई है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए साइंटिस्ट BMBBS MTS डाटा एंट्री ऑपरेटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जूनियर क्लर्क की यह वैकेंसी निकाली गई है। सभी राज्यों के लिए भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। आप लोग जो है इस फॉर्म को 17 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग्यता के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यह भर्ती निकाली गई है RMRC गोरखपुर से भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर, पिन कोड भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से जो है यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें देख सकते हो COVID-19 के तहत भर्ती निकाली गई है, जिसे आप लोग 17 अगस्त 2020 शाम को 5 बजे तक जो है अप्लाई कर सकते हो। टेम्परेरी बेस की यहाँ पे जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो है यहाँ पे जॉब होने वाली है, जिसमें देख सकते हो साइंटिस्ट बी मेडिकल के लिए 66,250 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, प्लस 20% HRA और 5,250 रुपये जो है यहाँ पे ग्रेड पे आपको मिलने वाली है। अधिकतम जो है उम्र है, एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। MBBS या MD माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल के लिए 52,200 रुपये रखी गई है, 48,000 प्लस 20% HRA और 4,200 ग्रेड पे यहाँ पे जो है मिलने वाली है सैलरी के रूप में। 35 ईयर्स जो है एज लिमिट होने वाली है। मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और PhD करने वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की निकाली गई है, एक वैकेंसी है, 32,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 30 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है। ग्रेजुएशन लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 31,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 30 ईयर्स से यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। दो वैकेंसी है, लाइफ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 17,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 4 वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, 25 ईयर्स जो है एज लिमिट होने वाली है। अगर आप लोगों ने 12वीं कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। स्पीड टेस्ट जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 17,000 रुपये सैलरी अब मिलने वाली है। इसमें जो है जूनियर क्लर्क के लिए एक वैकेंसी है, 16,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 25 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मांगा गया है, 12वीं पास हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो और जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए जो है DMLT BMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं, DMLT और BMLT वाले जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 6 वैकेंसी है, 30 ईयर्स जो है यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और MTS के लिए जो है यहाँ पे 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 25 ईयर्स एज लिमिट होने वाली है, 15,800 रुपये सैलरी मिलने वाली है, 4 वैकेंसी है। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। ये देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए, उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद जो PDF है उस PDF को यहाँ पे जो है आपको ईमेल कर देना है। ये देख सकते हो ईमेल ID दिया गया है, कब तक 17 अगस्त 2020 से पहले जो है आप लोगों को ईमेल कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बार ईमेल नोट डाउन कर लो, और नीचे फॉर्म दिया गया है, ठीक है। ये नीचे फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है इसका PDF बनाकर आपको जो है ईमेल कर देना है। आपका जो है इंटरव्यू होगा ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, तो वीडियो के थ्रू जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इसी के बेस पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू देने पर जो है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। और भी कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।